अस्सलाम वालेकुम। बहुत से दोस्त हमें पूछते हैं भाई हमने 3-4 पंखे चलाने हैं, सोलर पैनल पे कितना खर्चा आएगा, कोई ऐसा इन्वर्टर है जो बगैर बैटरी के भी वर्क करे, बैटरी तो 1 साल बाद या 1.5 साल बाद ख़राब हो जाती है। ठीक है, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा अगर आपने 4 या 5 पंखे चलाने हैं तो कितना खर्चा आएगा, 2 या 3 पंखे चलाने हैं तो कितना खर्चा आएगा। ठीक है, इन्वर्टर कौन सा लगाना है, बैटरी कौन सी लगानी है, ठीक है, सोलर पैनल कौन से लगाने हैं और कितने लगाने हैं, बगैर बैटरी वाला इन्वर्टर कौन सा है जिसे आप अपने घर के पंखे चला सकें। ठीक है, ज़्यादातर यही कमेंट आते हैं भाई पंखे चलाने 3-4 बताएं हमें कितना खर्चा आएगा, गर्मियों में बिल बहुत ज़्यादा आता है क्योंकि पंखे गर्मियों में 24-24 घंटे चलते रहते हैं। ठीक है, आप ये वीडियो शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, मैं आपको इस वीडियो में बड़ी डिटेल से बताऊँगा इन्वर्टर कौन सी कंपनी का है जो कम वाट में रह के पंखे चलाने वाला जो बगैर बैटरी पे भी वर्क करे। ठीक है प्यारे दोस्तों, आपको एक इन्वर्टर लेना पड़ेगा ज़ियोन कंपनी का। ठीक है, उसकी 1600 वाट आउटपुट है, उसके साथ आप 550 वाट के 4 पैनल लगा सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम आप 2 पैनल लगा के भी अपने घर के 4-5 पंखे चला सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप उसके साथ 4 सोलर पैनल लगा सकते हैं। ज़ियोन कंपनी का इन्वर्टर है, बगैर बैटरी के भी वर्क करता है, काम करता है, 80,000 रुपये का वो इन्वर्टर है। ठीक है, अगर प्यारे दोस्तों इस इन्वर्टर के साथ आप 2 सोलर पैनल लगाएंगे ना, ठीक है, 550 वाट के, आप इस पे 4 पंखे चला सकते हैं सुबह से लेके शाम तक। ठीक है, सुबह जब सूर्य स्टार्ट होगा तब आप 2 चला सकेंगे, जैसे ही धूप बढ़ती जाएगी आप अपने पंखे 3-4 इस पे चला सकते हैं। अगर आप इसके साथ 4 सोलर पैनल लगाएंगे आप अपने घर की फ्रिज भी चला सकते हैं। ठीक है, 4-5 पंखे भी चला सकते हैं, वॉशिंग मशीन भी चला सकते हैं, घर की आप लाइटें चला सकते हैं, LCD चला सकते हैं, ठीक है, और TV चला सकते हैं। अगर आपने सिंगल वाटर पंप चलाना है तो फिर आपको दूसरा छोटा लोड बंद करना पड़ेगा। एक सोलर पैनल की कीमत 30,000 रुपये, जो 550 वाट का सोलर पैनल है, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, लॉन्जी, जिनको, JA, कैनेडियन, ठीक है, अपनी मर्जी से आप जो मर्जी ले सकते हैं। अगर आप लेंगे 580 वाट वाला सोलर पैनल तो वो आपको तकरीबन 32-32,000 रुपये में मिलेगा। ठीक है, 550 वाट का सोलर पैनल 30,000 रुपये का। आपको स्टैंड चाहिए, एक स्टैंड के ऊपर आपके 2 सोलर पैनल लगने हैं। ठीक है, अगर तो आपने 2 सोलर पैनल लगाने हैं आपको एक स्टैंड लगाना पड़ेगा, अगर आपने 4 सोलर पैनल लगाने फिर आपको 2 स्टैंड लगाना पड़ेंगे। एक स्टैंड की कीमत 6,000 रुपये, 2 स्टैंड आपके 12,000 रुपये के हो गए। ठीक है, और दोस्तों आपको एक बैटरी लेना पड़ेगी, अगर तो आप चाहते हैं आपको बैटरी बैकअप चाहिए, आप रात को भी UPS वाला लोड चलाना चाहते हैं तो फिर आप इसके साथ बैटरी लगा सकते हैं। अगर आप इसके साथ बैटरी नहीं लगाएंगे फिर ये सुबह से लेकर शाम तक जितनी देर धूप रहेगी उतनी देर तक आप लोड चला सकते हैं। अगर आप इसके साथ बैटरी लगाएंगे आप रात को भी अपने पंखे और लाइटें चला सकते हैं UPS वाला लोड। बैटरी मैं यहाँ पे लगाने लगा हूँ 180 एम्पीयर की, वो 33,000 रुपये की बैटरी, आप कोई भी ले सकते हैं, AGS, XSide, SAKA, आप तब बैटरी लगाएंगे जब आपको बैकअप चाहिए। ठीक है, वैसे आप ट्यूबलर बैटरी भी लगा सकते हैं, सोलर के लिए ट्यूबलर बैटरी बेस्ट है, वो 52-52,000 रुपये। अगर आप नहीं भी बैटरी लगाना चाहते सारा दिन आप बगैर बैटरी के भी लोड चला सकते हैं इस इन्वर्टर पर। ठीक है, और दोस्तों अगर आपने DP बॉक्स लगाना है 10,000 रुपये का आपका खर्चा है, आपके 2 DC ब्रेकर लगने, 2 AC ब्रेकर लगने, चेंजेबल लगना, DP बॉक्स लगना, ठीक है, और आपकी तार जो सोलर पैनल का करंट नीचे लेके आएगी। अगर आपने प्यारे दोस्तों 4 सोलर पैनल लगाने हैं आपकी 10,000 रुपये की तार लगेगी, ठीक है, 6 mm की, अगर आपने सोलर पैनल पहले फ्लोर पर रखने हैं। ये जो भी आपके घर में सिस्टम इंस्टॉल करेगा वो आपसे 10,000 से 15,000 रुपये मजदूरी लेगा, कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है, ये इलाके के हिसाब से होता है। ये टोटल प्यारे दोस्तों 2,75,000 बनता है, जिसमें 1,80,000 रुपये का इन्वर्टर, 4 सोलर पैनल 1,20,000 रुपये के, 2 स्टैंड 12,000 रुपये के, 1 बैटरी 33,000 रुपये की। ठीक है, अगर आप बैटरी नहीं लगाना चाहते आप 33,000 ये भी निकाल दें, अगर आप 2 सोलर पैनल नहीं लगाना चाहते, ठीक है, 2 ही लगाना चाहते हैं, 4 नहीं लगाना चाहते, तो फिर आप 60,000 रुपये 2 सोलर पैनल का भी निकाल दें। ठीक है, DP बॉक्स 10,000 रुपये की, 10,000 रुपये की तार, ठीक है, और 10,000 रुपये मजदूरी है जो आपके घर में सिस्टम इंस्टॉल करेगा, ये टोटल 2,75,000 रुपये खर्चा आएगा। ठीक है, अगर प्यारे दोस्तों आप 2,75,000 रुपये खर्च लेते हैं आप अपने घर की तकरीबन 70% बिजली की भी बचत कर सकते हैं, आपका लोड शेडिंग का मसला भी हल हो जाएगा, आप सारा दिन जैसे मर्जी पंखे चलाएं। ठीक है, बहुत से दोस्त बार बार यही कमेंट करते हैं भाई वो इन्वर्टर बताएं जो बगैर बैटरी के भी वर्क करता हो, बैटरी 1 साल बाद या 1.5 साल बाद ख़राब हो जाती है, 1 साल बाद फिर हमें ये पैसे खर्चने पड़ते हैं। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे इस अकाउंट को जरूर फॉलो कर दें, मैं रोज़ सोलर के वाले से वीडियो बनाता रहता हूँ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अस्सलाम वालेकुम।